हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं समित पात्रा डिस्ट्रॉय सुप्रिया, फनी गाली वाली मैडम राहुल पप्पू, लेटेस्ट डिबेट। चलो देखते हैं। ये गाली वाली मैडम को तो हमने ही फेमस कर दिया बोल के, गाली वाली मैडम। अब सब उसको गाली वाली मैडम ही बोलते हैं कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने गाली बोली थी। जब सबसे पहले देखी थी हमने, कहते कौन है गाली देने वाली, और उस तब से गाली ने बोला था गाली वाली मैडम, और ये वो गाली वाली मैडम ही बन चुकी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इन्होंने जो है समित जो है उन्होंने इनको बोला था गालियां देती है गाली मैडम। अब मजे की बात है, आजकल की गालियां सुनने में नहीं आ रही। गालियां देना मतलब ही नहीं बनता यार। गालियां मेरे ख्याल से बंद कर दी हैं, थैंकफुली। पता नहीं, हो सकता है याद हो जाए शुरू। चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर बात करूंगा। मेरे लिए ये पॉलिटिकल या कोई दार्शनिक विषय नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल विषय है। अच्छा। और मैं स्टूडियो में खड़े होकर भाषण दे देती हूँ। मैं 6 राज्यों में गई हूँ और पूरे पूरे दिन, 4-4 दिन चली हूँ, तो मुझे पता है कि आपको तो पतले हो जाना चाहिए था। क्या इफेक्ट है, कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कांग्रेस की प्रवक्ता के बोलने के बाद पहले ही ये बताने लगती है कि मैं क्या बोलूंगा और उसका डिफेंस क्या है, ये अच्छी बात है। इससे मजबूती आती है चर्चा में, क्योंकि फिर हमें भी सोचना पड़ता है कि क्या तर्क दे। सबसे पहले इन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, और उनको कहा जाता है चौकीदार चोर है, और उसके बाद माफी मांगी जाती है कान पकड़ के। राहुल गांधी कहते हैं आई एम सॉरी आई लाइड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है कि चेहरे पे सूजन रहती है। वो होता है लोकतंत्र का अपमान। तीसरी बात इन्होंने कही, मैंने सवाल पूछा इनसे, एक सवाल पूछा, शक्ल से ही पता चलता था शी इज नॉट अ नाइस लेडी। टेंपरेरी है, टेंपरेरी, बट मैं बताना चाहता हूं, बट यू आर क्लोज टू इट, नॉट इन दैट एक्सेंट, नॉट सो पुअर बट क्लोज टू इट, गुड, यू आर गेटिंग देयर, कोई बात नहीं, ग्रेट, गेटिंग देयर। अच्छा लगा मुझे, तीन निशाने पे लग गया, बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो हम यहां इतने सालों से रहे, हम नहीं मारते एक्सेंट, तुम मार दो। टेंपरेरी, बहुत ही वैसे लेडी में प्रॉब्लम। नो, दैट्स हाउ यू स्पीक। वेरी गुड, फंस गया मुंह। अरे उनको सिखाइए यहाँ पे मत अपना टैलेंट, ऐसे जवाब देना। पहले तो चमचों की बात में कर रहा था, चमचों के लिए तो जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा, ये साध्वी और ये साधक नहीं है। ये लोग तो ऐसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है, और सारे हिंदू और भगवा धर्म को आतंकवादी है। सही है, आप तो भगवा, आप चुपचाप सुनिए, मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए, टेप लगा दिए, बोल रहा था, मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या सोनिया गांधी के माताजी पिताजी? कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी, और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूँ, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूँ, कान खोल के सुनो पहले, स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो, आज आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूँ, आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल, रोहित जी इनको बंद कराइए, ये क्या है, ये कहाँ से पकड़ के लाते हैं, इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है, कैसी प्रवक्ता है, ये क्या, किसको पढ़ाते हैं, शांति से सुना इनको, ये सुनेंगे नहीं, ये तू बड़ा करेंगे, कैसी बात है, चुप करा के बैठाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर ये बोलेंगे। देखिए, इन्होंने यहाँ पर फैसिज्म की बात की, मैं बता दूं और जनता से कहूंगा 1998 के आउटलुक के उस मैगजीन को पढ़िए, जिसमें स्टीफेनो माइनो सोनिया जी के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हाँ, मुसोलिनी और हिटलर मेरे गुरु थे, और गांधी दर्शन किताब के नाम है, कांग्रेस दर्शन किताब का नाम है, जिसके संपादक खुद संजय निरुपम थे, उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए छापा है कि यस, सोनियाज फादर वॉज अ फासिस्ट, स्टीफेनो माइनो वॉज अ फासिस्ट। मैं पूछता हूँ, जिसके फासिस्ट पिता हो, उन्हें हमसे सवाल करने का
कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सवाल ना करें, मंथन करें। लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी, नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। सभी लोग करते हैं, जब से पैदा हुआ हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म को मानता है, जो सनातनी है, वो प्रभु राम को मानता है, प्रभु राम के आचरण को अपनाता है। प्रभु राम हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है हिंदुस्तान की। उनके लिए देखो कपड़े ही बदल दिए, इसलिए मैं कहता हूँ आप राम भक्त नहीं हो सकते। ये दर्द उनका समझ में आता है सौरभ भाई, जब जाकर राम जी का नाम लेते लेते सत्ता में आते हैं और सत्ता पाने के बाद जाके राम द्रोहियों की गोद में बैठ जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं जो हमेशा कहते रहे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। उनके सलमान खान भी तो मूवीज में ऐसे ही स्कार्फ पहन के करता है आजकल मूवियां, अभी मैंने ध्यान रखा है बड़ा ब्लैक सा या ब्लू सा उसके भी स्कार्फ थे, जितनी बारी देखो सलमान खान शाहरुख खान आजकल वो बड़े कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है आप देखिए, आपने अभी एक वर्जन सुनाया, आपने एक बाइट सुनाई, एक माता जी जो की दिल्ली से अयोध्या की पहली उड़ान आई है, उससे जब वो लैंड की है अयोध्या में, आपने पूछा, हमने नहीं पूछा, आपने पूछा कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, क्या करने आई है, जो उन्होंने कहा यही इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावना है, और इस भावना को शायद वो लोग नहीं समझ सकते जो दरअसल राजनीति कर रहे हैं। आज अगर आपने देखा हो तो जब प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा था, जब वह निकल रहे थे तो उसमें बाबरी मस्जिद की जो पैरोकारी करते थे वह भी फूल की वर्षा कर रहे थे, वह भी पुष्प की वर्षा कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या का मतलब राम, अवध का मतलब राम, उत्तर प्रदेश का मतलब राम और कृष्ण। तो डॉक्टर गुरु, गठबंधन की सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, तो मैं सबसे पहले तो यही पूछ रही हूँ आपसे कि केंद्र में आपकी सरकार एनडीए की है, बीजेपी की है? गरिमा जी, यदि 2009 से हम लोग आम चुनावों के नतीजों पे अपना ध्यान आकर्षित करें तो 2009 में भी कांग्रेस सिंगल हैंडेडली 200 से अधिक सांसदों के साथ जीत करके आती है, और एक दौर था 90 से लेकर के 2009 तक जब हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल, ये नाम उल्टे क्यों है, दौर था, और उसी दौर में किस प्रकार से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते थे। मैं आपके शो के बाद थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मैंने एक पुस्तक देखा, इस पुस्तक का मैंने पहले भी जिक्र किया है, इस पुस्तक में 2007 का जिक्र है जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी और कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम दल मौजूद थे। 2007 वो साल था जब ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील पे कांग्रेस की बैल को पकड़ा किसने, और न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए किसको बनाया, न्यूक्लियर डील ना हो इसके लिए मनमोहन सिंह जी पे दबाव बना रहे थे लेफ्ट पार्टी के लोग। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन है कि टेलीग्राफ के अखबार में अगस्त के महीने में 2007 में एक हेडलाइन आई थी जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था सो बी इट, अगर लेफ्ट पार्टी हमारा सपोर्ट खींचना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है, तो सरकार गिरा दे, लेकिन न्यूक्लियर डील के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद भैया सबसे मजेदार था जब समित पात्रा ने उस गाली वाली मैडम का ऐसा, मतलब ऐसा उसको किया था कि कहाँ से पकड़ कर ले आते हो, सच्ची में शी इतनी इरिटेटिंग है, शी सो इरिटेटिंग, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही देख के मुझे गुस्सा आने लग जाता है, ये कैसी लेडी है। मतलब कई बार होता है, मैं हर बार ही बोलती हूँ, कई लोगों को देख के आपको पता चल जाता है कि भैया इसमें गड़बड़ है, ये उसको देख के ही लगता है कि, मतलब वो उस टाइप की जैसे होते हैं ना कि इमोशनलेस, मतलब जिसको किसी और का दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ मतलब अपना सोच लिया उस टाइप की, ढीठ टाइप की लेडी लगती हैं। चढ़ने लग जाता है अपने टाइम में, जब वो बोल रहे थे कोई उसको नहीं रोकता, मैंने हर बारी देखा है जो उसको बोलना था वो बोल लेती है, और जब दूसरा जवाब देने लगता है उसको बड़ी तकलीफ होती है, वो बोलने ही नहीं देती दूसरे बंदे को, ऐसा होता अंदर से जल जाता है जैसे इंसान पहले से ही जली पड़ी जैसे, उनको बोलना चाहिए आप बोलिए मैं बोलती हूं, और एक्सेंट तो ऐसे मार रही थी जैसे पता नहीं कहां कौन से विदेश में पैदा हो के आई, अंग्रेजी ठीक लग रही है जैसे उसने बीच में बोला था, अंग्रेजी वाज फाइन, नहीं एक्सेंट जब उन्होंने बोला ना कैसे बोलते हैं तो उसको इतनी तकलीफ, तो कहती है कि मेरे प्रॉपर एक्सेंट, मेरे को सिर्फ ये है कि जब आपकी बारी है आप बोलिए, दूसरे की बारी है दूसरे को बोलना चाहिए, नहीं इंटरप्ट अगर बीच में करिए
ना देर से, तो मेरे को तो बहुत गुस्सा चढ़ रहा था, सुनने ही नहीं दे रही थी जब वो जवाब दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था उनको बुलाना नहीं चाहिए, अगर वो बोलते हैं स्पोक्समैन है कांग्रेस की, बोलिए सॉरी आप इंटरप्ट करती हैं, ऐसे कितने घटिया बंदा है, सोच रही हूं कर रहा है पूरा प्रोसेस उसको हम नहीं सुन, नहीं इतना डिफरेंस दिखता है कि बीजेपी के जो होते हैं देखने में बातचीत करने में काफी उस टाइप से लगते हैं, और ये लेडी को देखो तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो भैया जब तुम्हारा स्पोक्स पर्सन ही इतना उस टाइप का है तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो जो रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हारी पार्टी को और आके बोलती है, उसमें ना तमीज है ना उसको बोलने का तरीका है, दिमाग उसका सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है, सुन नहीं सकती, समझने को तैयार नहीं, खुद बोल के बोलती है बस मैं ही बोलती रहूं, मेरे को कोई कुछ ना बोले। और जैसे वो उन्होंने एक्सेंट चेंज करके जब ये बड़ी बोल रही थी ना एक्सेंट करके कि मेरा ठीक तो करो एक्सेंट बोलो अगर बोलना चाहते हो, बड़ी स्मार्ट बन रही थी, तो उन्होंने दूसरे ने जो थे बीजेपी वाले उन्होंने इतना अच्छा उसका रोस्ट किया उसको मतलब किया, तो राहुल गांधी का वो जो बोल ही नहीं पाता उस नाम को उसका बोला कि भैया तुम उसको ठीक कर लो फिर आके बात करना। और राहुल गांधी का वीडियो क्या कमाल का था जिसमें वो कह रहा है कि हमारी लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी, ब्रिटिशर्स की लड़ाई क्या बिजनेस की लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ थी। तो पागल आदमी है क्या ये, बहुत ही मैं तो पता नहीं जितनी बारी और सुनती हूँ उसकी बातें मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि भैया बोल क्या रहे हैं बंदा। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।